मित्रों नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी ऑफिशियल दो, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। गाना गाते समय मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसा कर रहा हूँ, माइक कितना है, क्या पहले ही सब चेक कर लो। दिखने में क्या है, दिखने में कुछ नहीं है, होने में है। जो कुछ तुम पेश कर रहे हो, तुम आप हीरो हो वहाँ के, आपके सामने 500 लोग बैठे हुए हैं, आपका गाना सुनने आए, आपको देखने नहीं आए। और देखने क्या, पहले ठीक है अच्छे कपड़े पहन के बैठ गए, ठीक है, बाकी क्या है, आपके अंदर जो नज़र नहीं आ रही है चीज़, वो असर करने वाली है, वो चीज़ बताना है। आज मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों, मित्रों शब्द नहीं लूँगा अभी, क्योंकि मित्रों में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो दोस्तों बोलूँगा, साधकों बोलूँगा। एक बात हरदम ख्याल में रखो, आपके फायदे की चीज़ क्या है वो चूज़ करना सीखिए। आज मैंने पिछले कई एपिसोड में बताया कि एक ऑफ की रियाज कैसी होती थी, कि सुर के प म ग म ग रे ग रे सा रे सा नी सा नी ध नी ध प बताया था। अब ऊपर जाने की भी रियाज जो है वो उसी तरीके से है, मैंने ये भी बताया था, नी ध प सा नी ध रे सा नी ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प नी ध प सा नी ध रे सा नी ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प ध प म नी ध प। अब नी ध प सा नी ध रे सा नी ग रे सा नी ध प म ग रे सा म न ब मन काहे तू उदास भयो रे मन। जब जिगर से गाओगे तो ऊपर के सुरों की तकलीफ भी नहीं होगी, जब खाली गले से गाओगे तो ऊपर के सुर धैवत के बाद में आपको असर दिखाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से जब जिगर डालोगे तो असर करेगा, नहीं तो नजरअंदाज कर दोगे उस चीज को तो असर नहीं पड़ेगा। आज के इस क्लास में मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि रागों का द्वार खोलने का पलटा कैसा है। रागों का द्वार मतलब देखो कि कुछ नहीं है, हमने 4 में 24 किए थे ने? पध नी सा पध सा नी प नी ध सा प नी सा ध प सा ध नी प सा नी ध। इसको बार बार मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ध के छे नी के छे सा के छे। अब इसको सोचे तो इसका लॉजिकली अगर हमने हिसाब किया तो ये है 1 2 6 6, इसके भी ऊपर पलटे बनते हैं विदाउट एनी रिपीटेशन। इतना मुझे पता चला है अभी तक सिखाते सिखाते, जब मैं करते रहता हूं तो ये सब चीज निकलती है। जरूरी नहीं कि हर पलटा यूट्यूब में आए, यूट्यूब में क्या आएगा उसमें का एक पार्ट आएगा, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, इसमें अंक बदल गए हैं, लॉजिक एक ही है। और वैसे एक बात बोलता हूं कि एक हरदम बात बोलता हूं मैं, जैसे राग बदलते हैं ना वैसे उसकी असर बदलती है, लेकिन सिस्टम एक ही रहती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे उस्ताद कहते थे मुबारक अली खान साहब, पहला राग जो सीखोगे आप 4 महीने लगते हैं, दूसरा सीखोगे 4 हफ्ते लगते हैं, तीसरा सीखोगे 4 दिन, चौथा सीखोगे 4 घंटे, पांचवा सीखोगे 4 मिनट, छठवा सीखोगे 4 सेकंड, खत्म। ऐसा क्यों था पता है, क्योंकि 12 सुरों की रियाज इतनी तगड़ी वाले करी, रागदारी के पीछे और परीक्षा के पीछे नहीं पड़े थे, 12 सुरों का रियाज इतना तगड़ा कर लिया, इतना तगड़ा कर लिया कि पूरे विश्व का गाना ये 12 सुरों के अंदर है। ये लॉजिक तो आपको भी मालूम है, तो इसके पीछे क्यों नहीं लगते हो, ये गाना तैयार करेंगे बता, 4 लोगों के सामने हो बताने के लिए ठीक है, पर मूल अपना भूलना नहीं चाहिए। अपना हम मूल भूलते रहे तो कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब कि
सिस्टम वही है। देखो एक घर में खाना पकाती है माँ जी, कढ़ाई वो, तेल वो, राई वो, गैस सिलेंडर वो, स्टार्टर वो, लाइटर, उसके बाद में जो कुछ डालना है प्याज मिर्ची ये वो सब डाल के, मिर्ची विर्ची डाल के सब, उसके बाद में सब्जी डालती है। यहाँ सिस्टम वही है, बदलती सिर्फ सब्जी है। आज बैंगन बने तो कल आलू बनेंगे, कल और गोभी बनेगी, परसों और कुमड़ा बनेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई पहले कुछ है, कुछ जैसे रागों के नियम है कि इसमें यही चलता है ये नहीं चलता, वैसे भिंडी के भाजी में पानी डाल के नहीं चलता, करेले के भाजी में सूखी भाजी में पानी डालना नहीं चलता है। लेकिन अधिकतर सब्जियों में 90% सब्जियों में सिस्टम वही रहती है। 50% सिस्टम तो कॉमन ही होती है, चाहे कोई भी सब्जी करो आप कढ़ाई तो रखोगे रखोगे पहले, ऐसा नहीं कि भाई कढ़ाई नीचे उसके ऊपर गैस, ऐसा कुछ नहीं होता। नियम बने पड़े हुए उसको चेंज नहीं कर सकते, बस वही हिसाब राग में लगाओ, वही हिसाब निरगामा पा, इसमें भी आलापी होने वाली है, निरगामा पा इसमें भी आलापी होने वाली है, निसागामा पा इसमें भी आलापी वही होने वाली है, निसागामा मा पा गामा गा इसमें भी वही होने वाली है, सारे मा पा धा पा मा रे सा, इसमें खाली जाति बदली है, राग बदले है, आरोह अवड़ो शाड़ो संपूर्ण यह है, लेकिन सारे मा पा धा पा ये था, सा ग म प द प सिस्टम वही है, सा ग म द प वही सिस्टम है। आपको 4 में 24 3 में 6 इस तरीके से आलापी धीरे धीरे डेवलप करना है। ताने भी उसी पैटर्न के लिए हो, सारे सारे ग रे ग म म, जिसमें रे नहीं है तो सा ग म म ग म ग म प प, यही हिसाब है। एक पूरा 7 पॉइंट है गायकी के 7 साल के लिए, जो कि मैं 3 साल के अंदर पूरा खत्म करके नक्की कर देता हूँ, कुछ 12-12 साल लगते नहीं है। गाना सीखने को 3 साल, गाना समझने को 3 साल और गाना रखने को 3 साल, ऐसे साल लगते, गाना सीखने को 3 ही साल लगते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट वाला वकील है, 3 साल गोल्ड मेडल लेने के बाद में भी जब स्टेज पे जाते जब कोर्ट में जाता है आर्गुमेंट करने, तो उसको कोर्ट की आदत होने के लिए कई दिन लग जाते हैं, चाहे कितना भी गोल्ड मेडलिस्ट रहो, ऑन स्टेज ऑन उसके जो कोर्ट का ये है उसमें जब आर्गुमेंट करता है तो इतनी जल्दी चीज हासिल नहीं होती। तो गाना सीखने के बाद में भी स्टेज पर वो कलाकारी आने के लिए 3 साल वहां पे 50 प्रोग्राम गिरना पड़ता है, तो 51 प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा रंगना शुरू होता है। तो पहले ले लो, पहले अंदर, बाद में सोचना उसकी चीज़।